Hello students, welcome you all to our official YouTube channel bankersadda.com, the government job in your pocket. तो students, आज के session में हम लोग बहुत ज़्यादा important session है, बहुत तेज़ी से session चलने वाला है, क्योंकि आज के session हम लोग पढ़ने वाले 100 most important जो आप लोगों के one word substitution होते हैं, आज उसको हम लोग session में cover करने वाले हैं. तो I hope मेरे सारे students यहाँ पर एकदम तैयार हैं आज के session के लिए. But before starting this beautiful session, make your lockdown worth it, because you know आज 1st April हो गई है, 14 days to go, so you should utilize this time. How you will going to utilize this time? You have to study, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना है. अंडर 24/7 जब से लॉकडाउन आया, you know कॉन्टिन्यूसली अंडर 24/7 आप लोगों की हेल्प करता रहा, हर एक चीज़, हर एक दिन कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए स्पेशल, और हर बार उससे ज़्यादा बेहतर लेके आ रहा है. जस्ट कि आपको जो भी ऑफर अच्छा लगे, एंड यू शुड अवेल एंड यू शुड स्टार्ट योर प्रिपेयरिंग, बिकॉज आर अल्टीमेट एम इज कि आप लोगों का क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए. तो स्टूडेंट्स, रामनवमी मेगा ऑफर है, सारे के सारे फ्लैट 25% ऑल ऑन ऑल स्टडी मटेरियल, जितने भी स्टडी मटेरियल है उसमें आप लोगों को फ्लैट कितना मिल रहा है, 25% ऑफ मिल रहा है. बट मेक श्योर यू विल गेट 25% ऑफ then only when you will going to apply this coupon code, that is NAV25. Navratri 25 अगर आपने लगा दिया तो आप लोगों को क्या मिलने वाला है, 25% एडस्टैंड डिस्काउंट मिलने वाला है. तो स्टूडेंट्स, जितने भी यहाँ पर कनेक्ट हैं, जल्दी से सेशन को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत तेज़ी से आज सेशन चलने वाला है. 100 आप लोग समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा होता है, राइट. तो मोना, संजीव, आहना, गवर्नमेंट जॉब, कोरोना वायरस, संजीव कोरोना वायरस, प्लीज़ चेंज योर नेम यार. संजीव प्लीज़, मेरी आवाज़ सही आ रही है? आई होप मेरी आवाज़ तुम लोगों को सही आ रही होगी. यार आवाज़ को मत बोलना कि नहीं आ रही है मैम. आई होप मेरी बहुत तेज़ आवाज़ आएगी. फुल कर रखा है क्योंकि उस ज़्यादा ही तेज़ आवाज़ आएगी अब. हाँ ठीक है, इज़ इट क्लियर नाउ? फाइन, अब ठीक है, आवाज़ तेज़ आ रही है ना, एवरीथिंग सॉर्टेड. चलो अब बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और देखते हैं पहला क्या होने वाला है. अब तो आवाज़ बढ़ा ली है यार, हमने बढ़ सकते हैं. है फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स. नेक्स्ट लिखा हुआ अंडर हिज थंब, इसको बी नहीं प्रोनाउंस करते, अंडर हिज थंब होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर हिज कंट्रोल. ठीक है, हाँ स्लो आ रहा है मेरा, मेरी आवाज़ आ रही है तुम लोगों को? कैन यू गाइज हियर मी? एक बार बताना, कैन यू गाइज हियर मी? एट वंस विट्स एंड, विट्स का मतलब जो होता है इंटेलिजेंस, इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है. ठीक है, आप ठीक है? हाँ ओके ओके. चलो नताशा, एट वंस विट, एक बार तुम लोग रिफ्रेश कर लो. एट वंस विट्स एंड का मतलब होगा इन ए स्टेट वेयर वन डज नॉट नो वॉट टू डू, वो नहीं जानता है कि क्या करना है. कोई ऐसी स्टेट जिसमें इंसान नहीं जानता है, वेयर वन डज नॉट नो कि करना क्या है. एट वंस विट्स एंड. नेक्स्ट लिखा हुआ है, सेवन्थ पे बात करते हैं, लिखा हुआ है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसका मतलब होता है बिटवीन टू डेंजर्स, बिटवीन टू डेंजर्स. जिद्या के रेडियो ना? ओके है ना एवरीबडी? एक बार फिर से रिफ्रेश कर लो तो दैट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू. चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब क्या होता है, वर्क और स्टडी हार्ड, बहुत ज़्यादा क्या करना, मेहनत करना. नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉल अ स्पेड और कॉल अ स्पेड, स्पेड इसका मतलब होता है स्पीक फ्रेंकली, बहुत ज़्यादा फ्रेंकली या डायरेक्टली बोलना, उसे बोलते हैं कॉल अ स्पेड अ स्पेड. गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई तुम लोगों को? हाँ ओके, शुरू से स्टार्ट कर दिया जाए. हाँ चलो, कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या होता है, बी हाईली सक्सेसफुल, बी हाईली क्या होगा, सक्सेसफुल, इसके लिए होगा कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स. गॉट माई पॉइंट? पहला क्या लिखा हुआ, रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल मीन्स ऑर्डिनरी पीपल. नेक्स्ट लिखा हुआ है बाय फिट्स एंड स्टार्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होगा, इन शॉर्ट टाइम, नॉट रेगुलरली, अ वी बिट इसका मतलब क्या होगा, कुछ. आउट ऑफ द वुड, आउट ऑफ द वुड इसका मतलब होगा फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर. अंडर इज थम, यहाँ पर बी साइलेंट होता है, अंडर इज थम मतलब अंडर इज कंट्रोल.
एट वंस विट्स एंड विट्स का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस. विट्स का जो मतलब होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट होता है, राइट. चलो, इन अ स्टेट वेयर वन डज नॉट नो कि करना क्या है, एट वंस विट्स एंड. नेक्स्ट बात करते हैं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी कि बिटवीन टू डेंजर्स, बर्न द मिड नाइट ऑयल, दैट इज वर्क ऑन स्टडी हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत करना या स्टडी हार्ड. कॉल अ स्पेड, अ स्पेड तो ये क्या होता है, स्पेड का मतलब होता है एक शार्प एज टूल, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेड बोलते हैं. स्पीक फ्रेंकली एंड डायरेक्टली. नेक्स्ट लिखा हुआ है, कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, बी हाईली सक्सेसफुल. ठीक, चलो. हाँ, अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आज हम लोगों को 100 कवर करनी है स्टूडेंट्स, राइट. और जो है आप लोग, हाँ चलो. महिमा का काला चश्मा डीपी में, अरे यार डीपी में ये नहीं करना है, बिकॉज जल्दी से आंसर्स देने आप लोगों को. चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है, होपिंग अगेंस्ट होप. होपिंग अगेंस्ट होप, करना आशा करना, अगेंस्ट होप. तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग इज विदाउट होप. नेक्स्ट लिखा हुआ है, ट्वेल्थ की बात करें तो ट्वेल्थ, हिट द नेल ऑन द हेड, डू और से द एग्जैक्ट, एकदम सेम चीज़ क्या कर देना, कह देना या कर देना, उसे क्या बोलते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड. नेक्स्ट लिखा हुआ है, एन एक्स टू ग्राइंड अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, टू गेट रिड ऑफ, इसका मतलब होता है डिस्पोज ऑफ. एट डैगर्स ड्रॉन, मतलब बिस्टर्ली होस्टाइल, मतलब कि जिससे हम कहते हैं झगड़ालू, ठीक है. जैसे मैंने बोला, द फाइव ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन, यानी बहुत ज़्यादा अत्यधिक क्या है, एक दूसरे से गुस्सा है, ठीक है. टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, ड्रेक्स का मतलब क्या होता है, मक्खी, राइट. हाउस फ्लाई भी जिसे बोलते हैं. टू एक्ट फुलिशली और इनकॉन्सिस्टेंटली, टू बहुत ही बेवकूफ़े वाले, बचकाने वाले एक्ट करना. नेक्स्ट है, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, दैट इज टू टैकल अ प्रॉब्लम इन अ बोल्ड एंड डायरेक्ट फैशन. रेन किड्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है, ये नहीं होगा कि बिल्ली और कुत्ते, इसका मतलब नहीं होता. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होगा बहुत ज़्यादा तेज़ क्या हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है. गॉट माई पॉइंट. नेक्स्ट लिखा हुआ है, टू मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब होता है टू मेक अ सुप्रीम, बहुत ज़्यादा क्या करना, एफर्ट करना. नेक्स्ट लिखा हुआ है, 20th की बात करें, नो अवेल, इसका मतलब होगा विदाउट एनी रिजल्ट. गॉट माई पॉइंट. अभी 80 अभी हम लोगों के और बाकी, और स्क्रीन शॉट लेते रहो यार स्टूडेंट्स, सारे के सारे आप लोगों को ये याद होने चाहिए. मेक इट फास्ट. ले लिया स्क्रीन शॉट, कैन वी गो अहेड. चलो कैन वी गो अहेड, आगे बढ़ा जाए. चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है, बार्क अप द रॉन्ग ट्री. बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है एक्यूज या किसी को बेशर्म, क्या बोलते हैं उसे, बेइज्जती करना, डिनाउंस करना, बेइज्जती करना, एक्यूज करना या किसी को डिनाउंस करना, द रॉन्ग पर्सन, किसी को भी गलत इंसान की क्या कर देना, क्या कर देना, उसकी बेइज्जती कर देना पब्लिकली, उसको शेमफुल फील कराना, उसे क्या बोलते हैं, डिनाउंस बोलते हैं. बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है एक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन. नेक्स्ट लिखा हुआ है, कीप वन एट बे, इसका मतलब होता है कीप वन एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी बनाए रखना, ठीक. मेक अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ इट, इसका मतलब होता है कॉन्फेस. कॉन्फेस का मतलब होता है कबूल करना. कॉन्फेस स्पेशली व्हेन अ पर्सन हैज़ डन अ रॉन्ग थिंग, उसको क्या कर लेना, कॉन्फेस कर लेना, उसको क्या कर लेना, कबूल कर लेना, राइट. हैव अ हार्ड कप वन स्लीप्स, इसका मतलब होता है हैव अ सीक्रेट प्लान इन रिजर्व. लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, लाइक अ कैट ऑन द हॉट ब्रिक्स, कैसे याद कर सकते हो, लाइक अ कैट ऑन द हॉट ब्रिक्स, ब्रिक्स जानते हो तुम लोग, ईंटे होते हैं, वहाँ पर सोच लो कि कैट बैठी हुई है ना, तो उसका मतलब क्या होगा, हॉट पे बैठी हुई है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, नर्वस होगी, राइट. कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ते बिल्लों की लाइफ कैसी होती है, फुल ऑफ क्या होती है, लाइफ फुल ऑफ क्वेरल्स, लाइफ फुल ऑफ क्या होगी, क्वेरल्स होगी. नेक्स्ट लिखा हुआ है, कॉक एंड बुल स्टोरी. कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा मेड अप स्टोरी दैट वन शुड नॉट बिलीव, एक ऐसी फैब्रिकेटेड स्टोरी जिसको इंसान को भरोसा नहीं करना चाहिए. गॉट माई पॉइंट, इज इट क्लियर, समझ में आ गया. चलो, क्राई फॉर द मून. क्राई फॉर द मून यानी कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ की क्या करना, मांग करना. क्राई फॉर द मून, रोना किसके लिए, वो भी इम्पॉसिबल चीज़ के लिए, ठीक है.
किराए रोना किसके लिए, मून के लिए? तो मून क्या है मतलब, उसके लिए हमको वो चाहिए, तो एक ऐसी चीज़ है जो क्या है, इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैटर इन अ डील, द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैटर इन डिटेल। बी इन अ टाइट कॉर्नर, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी डिफिकल्ट स्थिति में होना, ठीक है। बी इन अ टाइट कॉर्नर इट सिंपली मीन्स कि किस सिचुएशन में होना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। हाँ मैम, आप भी मून से ओके गवर्नमेंट जॉब, जल्दी से बताओ। बाहुबली क्राइज फॉर द मून। चलो इतनी बात समझ में आ गई तुम लोगों को, यहाँ तक की कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछो, फिर हम लोग आगे बढ़े। 70 मोर टू गो। अब रेडी हो, तैयार हो आगे 70 के लिए, एकदम उड़ा के रखने वाले, सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो। कमाल की बात है कि तुम सबको ये याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सारे के सारे आप लोगों को यार ये याद होने चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए। चलो यस 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 आगे बढ़ा जाए। एक बार जल्दी से पहले शेयर कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जल्दी से एक बार, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए, एक बार शेयर मार दोगे तो बस मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दो, कुछ नहीं जा रहा हो, खर्चा पानी नहीं हो रहा हो तो भाई शेयर कर दो, खर्चा पानी तो नहीं हो रहा है ना। चलो थैंक यू बंटी सिंह। चलो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रॉस वन टीज एंड डॉट, इसका मतलब क्या होगा? बी प्रेसाइज, मतलब एक्यूरेट, केयरफुल, ठीक है। बिल्कुल क्या होना, क्रॉस वन टीज एंड डॉट, इसका मतलब होगा एकदम क्या होना, एक्यूरेट होना, उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस वन टीज एंड डॉट। नेक्स्ट लिखा हुआ है आर टू आर्म्स लेंथ, इसका मतलब होता है आर टू कीप एट अ डिस्टेंस। अच्छा, एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है? एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट अ स्टोन्स थ्रो? एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही करीब, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही करीब। यहाँ पर लिखा हुआ एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब होगा टू कीप एट अ डिस्टेंस, और यहाँ पर एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है? बहुत ही पास, बहुत ही करीब। नेक्स्ट लिखा हुआ है आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या होगा? इम्पॉसिबल। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होगा हाँ। और नेक्स्ट लिखा आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द वे का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्या चीज, स्ट्रेंज। आउट ऑफ द वे दैट इट मीन्स क्या होगा, स्ट्रेंज होगा। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, एकदम क्या दिखा देना, क्लीन पेयर ऑफ हील्स दिखा देना, इसका मतलब क्या होगा, रन अवे, क्या कर देना, भाग जाना, ठीक है। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका मतलब क्या होगा, मान लो हम अपने हाथ में हील्स लिखे और ऐसे ऐसे करके तुम लोगों को दिखा रहे हैं, इसका मतलब हम अब क्या करने जा रहे हैं, अब हम भैया रन अवे, मतलब भाग जाना, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ कीप वन फिंगर्स क्रॉस्ड। कीप वन फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब होता है द एंग्जाइटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान्स, कि सब कुछ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम सिंपली मीन्स जस्ट एट द लास्ट मोमेंट। लास्ट मौके पे बहुत से लोग होते हैं, सारा के सारा काम करते हैं, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, इन द निक ऑफ टाइम, मतलब लास्ट मौके पे करना ही है, ठीक है। सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस, अब हम कहाँ पर बैठे हुए हैं, फेंस पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब होगा हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजंस, ये करना है या ये करना है, उसमें क्या रहना, हिचकिचाना, उसे क्या बोलते हैं, सिटिंग ऑन द फेंस, राइट। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, स्प्रेड लाइक किस तरीके से फैल जाना, बहुत तेज़ी से, जैसे जंगल, मतलब बहुत तेज़ी से आग फैलती है, उसको फैल जाना, उसे क्या बोलेंगे, स्प्रेड क्विकली, बहुत तेज़ी से, वैसे भी आग जो होती कैसे याद कर सकते हो, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, आग बहुत तेज़ी से फैलती है, तो आप कैसे रिलेट कर सकते हो, स्प्रेड क्विकली, ठीक है, रैपिडली। नेक्स्ट लिखा है द गिफ्ट ऑफ द गैप, यहाँ पर क्या होता है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बहुत से लोगों के अंदर होता है द गिफ्ट ऑफ द गैप, इट मीन्स टैलेंट होता है किस चीज़ का, बोलने का, ठीक है। हाँ स्प्रेड, वेरी गुड जया, वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड मोना, सुप्रीत, वेरी गुड अखिल, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट अब बात करते हैं बाय हुक और क्रुक, तुम लोगों को सिलेक्शन लेना है बाय हुक और बाय क्रुक, इसका मतलब वो किसी तरीके से भी लो, बट आई वॉन्ट कि तुम लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है बाय फेयर और फाउल मीन्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है फेदर वंस ओन नेट, इसका मतलब होता है पैसा गलत तरीके से कमाना, ठीक है, मेक मनी अनफेयरली।
नेक्स्ट है थ्रू आउट ऑफ गेयर, इसका मतलब होता है डिस्टर्ब द वर्क. थ्रू आउट ऑफ द गेयर इसका मतलब होगा काम में क्या होना, डिस्टर्ब द वर्क. टेक टू वंस हील, वी हैव डन. रन अवे इसका होता है टूथ एंड नेल विद ऑल वंस पावर. टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है, विद ऑल वंस पावर. डाई इन हार्नेस इसका मतलब होता है डाइल वाइल इन स्लीप. मर जाना कब भैया, जब किसमें हो, हम सर्विस में हो, उसे बोलते हैं. गॉट माई पॉइंट. चलो नेक्स्ट देखो. टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक इसका मतलब होता है इमिटेट वन. टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक इसका मतलब होता है इमिटेट वन, मतलब कॉपी करना. इमिटेट का मतलब क्या होता है, कॉपी करना. ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, मतलब कोई का किसी का कॉन्टेक्स्ट है, उसी को ही हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, उसे बोलते हैं इमिटेट. टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक इसका मतलब होगा किसी चीज़ को हमने क्या कर ली है, कॉपी कर ली है. राइट. लीव नो स्टोन अनटर्न. लीव इसका मतलब होता है यूज, हर तरीके से, हर तरीका अपना लेना. Leave no stone unturned means use all available means. Next है a man of straw. A man of straw का मतलब होगा a man of no substance. Read between the lines, understand the hidden meaning. यानी जब आपको ये read between the lines है, तो आपको जो भी context या paragraph दिया गया है उसको समझना है, understand करना है कि वो आखिर paragraph कहना क्या चाह रहा है. ठीक है, इज इट क्लियर. अब जल्दी से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए जुड़े हुए, यार जल्दी से, अगर अच्छा लग रहा है, 50 more to go. जल्दी भी 50 और बाकी है, हम लोगों ने 50 कवर करे हैं, 50 और बाकी हैं. स्क्रीनशॉट लेते रहो. और यार देखो, मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, ये सारे के सारे आप लोगों को याद होने चाहिए. गॉट माई पॉइंट. मेक श्योर दैट यू लर्न इट एंड मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए. और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोज और चाहिए हैं, तो मेक श्योर दैट यू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन कि मैम हमें इस वाले टॉपिक पर वीडियो चाहिए. क्योंकि स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कहा था कि मैम आप एक एडियम्स और फ्रेजेस वाली वीडियोज ले लो, तो आज स्टूडेंट्स हम आपकी डिमांड पर ही लेके आए. तो ऐसे आप लोगों को बताना है कि नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, तो कल तो हम आप लोगों को 30 क्वेश्चंस कराने वाले हैं, SBI के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं. ठीक है, तो कल के सेशन में आप लोगों के 30 क्वेश्चंस होंगे, जिस तरीके से एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चंस होने वाले. तो कल 3 बजे, मंडे टू सैटरडे ये सेशन 3 बजे आता है, तो डू नॉट फॉरगेट मी टू ज्वाइन एट 3 PM. ठीक है, कैन वी गो अहेड. आगे 50 के लिए तुम लोग तैयार हो? यस मैम, जल्दी से लिखो. यस मैम, वी आर रेडी. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, क्विट प्रिंसेस. ओके, गुरु कृपा. यस, चलो. यस, तो हम भी तैयार हैं और आप बढ़ते हैं नेक्स्ट. आगे नेक्स्ट लिखा हुआ इन कोल्ड ब्लड. इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है डेलिबरेटली एंड विदाउट, डेलिबरेटली या विदाउट इमोशन. देखो नेक्स्ट 51 की अगर हम लोग बात करें, तो उसका मतलब क्या होगा, इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होगा, डेलिबरेटली, जानबूझकर एंड विदाउट इमोशन. अ थॉर्न इन द फ्लैश, अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एनॉयंस. मतलब एनॉयंस का मतलब क्या होता है, गुस्सा. A thorn in the flesh, it means a constant source of annoyance. Smell a rat, smell a, चूहे को क्या करना है, स्मेल करना है, इसे याद कर लो. Suspect something, क्या चीज, something foul, something गलत. Harp on the same string, harp on the same string. Harp क्या होता है, एक musical instrument होता है. Harp on the same string इसका मतलब क्या होता है, dwell on the same object. Right, इतनी बात समझ में आ गई. हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, वीड़ा जिसे बोलते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग मतलब ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट. बरी द हैचेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैचेट. हैचेट का मतलब, जल्दी से जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं जल्दी से बताओ क्या होता है. एंड द क्वारल एंड मेक पीस. बरी द हैचेट और एंड द पीस. बरी द हैचेट का मतलब बताओ क्या होता है. हाँ, इस तरीके का तुम लोगों ने देखा होगा, जानते हो ना इसे क्या बोलते हैं, बताओ. बरी द हैचे का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताओ. ये आप लोगों के सामने हमने बना भी दिया है. एक्स जानते हो ना, एक्स, इसे बोलते हैं हैचेट. ठीक है, बरी द हैचेट. अब देखो ये तुम लोग ऐसे इमेजिन कर लो, ये सब चीज़ें जो है ना, ये एक्स वैक्स क्या है, सब लड़ाई झगड़े वाली गंदी चीज़ें होती हैं ना, तो इसका इस्तेमाल करते हैं कुल ऐसे काटने वाटने के लिए करते हैं ना. इसको क्या कर दोगे, अंदर क्या कर दोगे, गाड़ दोगे, तो क्या होगा. ऐसे याद कर सकते हो, अगर इसको अंदर क्या कर दो, गाड़ दोगे, तो इससे जो क्वेरल है, वो शांति, जो लड़ाई झगड़ा है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. और क्या हो जाएगी भैया, पीस और शांति बन जाएगी. ठीक है,
ओके नेक्स्ट देखो, लीव वन इन द लर्च, इसका मतलब होगा लीव वन इन हेल्पलेस कंडीशन। कहाँ पर छोड़ देना, लीव वन इन द लर्च इसका मतलब होगा लीव वन इन हेल्पलेस कंडीशन। नेक्स्ट लिखा हुआ लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, अब फिश को बाहर निकाल दोगे तो उसकी स्थिति क्या होगी, इन अ स्ट्रेन सिचुएशन, बहुत ही ज्यादा कैसी स्ट्रेन सिचुएशन में। एट वंस बैक एंड कॉल, इसका मतलब होगा अंडर हिज कंट्रोल, अंडर हिज कंट्रोल, राइट। एट वंस बैक एंड कॉल इसका मतलब उसके कंट्रोल में। टू मेक बोथ एंड्स मीट इसका मतलब होगा टू लिव विद इन वंस इनकम, अपनी आमदनी में रहना, टू लिव विद इन वंस इनकम। इन हॉट वाटर, अगर कोई गर्म पानी में है तो कैसे याद कर सकते हो, किस में है वो, इन ट्रबल में है। ठीक है, इज इट क्लियर, गॉट माई पॉइंट, समझ में आ गया, तड़प तड़प। चलो अविनाश, वेरी गुड, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट आप लोगों के लिए, 61 पे हैं अभी हम लोग, 100 आज हम लोगों को सेशन में कवर करने हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने, और एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो आप लोगों के लिए ये कर रहे हैं यार, अगर तुम लोग ना इसका यूटिलाइज कर पाओ तो फिर मेरा कराना बेकार है ना स्टूडेंट्स। तो मेक श्योर कि आप लोगों को ये सारे के सारे, बिलीव मी यार, याद कर लेना भाई। ठीक है, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, याद जरूर कर लेना। ओके चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ, निप इन द बर्ड इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय इन द अर्ली एज स्टेज, डिस्ट्रॉय का इन द अर्ली स्टेज। नेक्स्ट लिखा हुआ स्टिक टू वन गन्स, रिमेन फेथफुल टू द कॉज, स्टिक टू वन गन्स कैसे याद कर सकते हो, पुलिस वाले जो होते हैं अपनी गन्स के साथ में क्या रहते हैं, एकदम क्या रहते हैं, स्टिक रहते हैं, तो वो लोग क्या रहते हैं, रिमेन फेथफुल टू द कॉज। गट माई पॉइंट, इज इट क्लियर। नेक्स्ट लिखा हुआ है टू ईट हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होगा, टू एपोलोजाइज, क्या करना, टू एपोलोजाइज हम्बली एंड टू यील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टांसेस, टू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज कर लेना, सॉरी कर लेना हम्बली, एंड टू यू यील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टांसेस इन हाई स्पिरिट्स। भैया आजकल हम बहुत हाई स्पिरिट्स में हैं, इसका मतलब हम क्या है, आजकल हम बहुत ज़्यादा क्या हैं, बहुत ज़्यादा क्या हैं, वेरी हैप्पी हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स इसका मतलब होगा पुट और डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, किस तरीके से काम करना, गलत तरीके से, पुट और डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, रॉन्ग ऑर्डर में क्या करना, काम करना। ठीक है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। नेक्स्ट लिखा हुआ टू ऑल नेम्स, टू ऑल नेम्स मीन्स क्या करना, टू एब्यूज, गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, टू एब्यूज, एब्यूज का मतलब क्या होता है, फॉल्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। ठीक है, ऑन टेंडर हुक्स, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग देखते भी होगे, ऑन टेंडर हुक्स इसका मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एंजाइटी, किस स्टेट में होना, बहुत ज़्यादा सस्पेंस होना, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना, उसको क्या बोलते हैं, ऑन टेंडर हुक्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है वॉश वंस डर्टी लिनन, इसका मतलब होता है डिस्कस अनप्लीजेंट इन पब्लिक प्राइवेट मैटर्स बिफोर स्ट्रेंजर्स, किस डिस्कस करना, किसके बारे में, अनप्लीजेंट, डिस्कस अनप्लीजेंट मतलब जो बातें ऐसी जो अनप्लीजेंट हो, अच्छी नहीं हो, कहाँ पर, इन पब्लिक प्राइवेट मैटर्स बिफोर, वो भी किसके सामने, स्ट्रेंजर्स के सामने, ऐसी बातें डिस्कस करना जो कि क्या हो, जो कि क्या हो, अनप्लीजेंट हो, कहाँ पर डिस्कस करना, इन पब्लिक प्राइवेट मैटर्स, और वो भी किसके सामने, बिफोर स्ट्रेंजर्स, राइट। टू बेल द कैट इसका मतलब होता है, टू बेल द कैट इसका मतलब होगा टू फेस द रिस्क, भैया टू बेल द रैक, टू बेल द कैट, कैट की घंटी बजाना, मान लो उसके ऐसे नेक में लगा हुआ है, उसमें बेल लगी हुई है, तो तुम क्या करना, उसको अब क्या सिचुएशन क्या करना है, टू फेस द रिस्क, अब मान लो उसको यहाँ पर छुओगे उसको बुरा लगेगा, तो अब कैसे याद कर सकते हो कि तुम क्या फेस करने जा रहे हो, तुम फेस रिस्क करने जा रहे हो, क्या फेस करने जा रहे हो, रिस्क को। ठीक है, नेक्स्ट होता है अ हार्ड नट टू क्रैक, सोनम निम्बल, वेरी गुड, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होगा बहुत ज़्यादा क्या, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा क्या, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, हार्ड नट टू क्रैक मीन्स डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नाउ वी हैव कितने मोर, अभी हम लोगों के पास बाकी है 30 मोर, राइट। चलो, अ हार्ड नट टू क्रैक डिस्कस हो चुका है, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट लिखा हुआ लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, अब हमने कैट में, कैट को क्या कर लिया, बैग में बंद कर लिया, तो अब कैट क्या करेगी, जैसे ही बाहर आएगी, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब हमने बैग में बंद कर लिया उसको, अब जैसे ही वो क्या करेंगे, उसको फ्री करेंगे, वो सारे के सारे क्या कर देगी, मेरे जो सीक्रेट हैं उसको क्या कर देगी, रिवील कर देगी। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इट मीन्स रिवील द सीक्रेट, क्या कर देना, रिवील कर देना किसी भी
रहस्य को, राइट? इज इट क्लियर? गॉट माई पॉइंट? चलो आवाज सही हो गई है? हाँ ओके, अब सही है आवाज ना? चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अ बिग गन. अ बिग गन का मतलब क्या होगा? एन इम्पॉर्टेंट पर्सन. अ बिग गन इट मीन्स कोई भी, मान लो मेरे पास एक बिग गन है तो हम क्या होंगे? एक इम्पॉर्टेंट पर्सन होंगे. अ बिग गन मीन्स एन इम्पॉर्टेंट पर्सन. अभी देखो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस, इस तरीके से इडियम्स और फ्रेजेस वोकैबुलरी याद कर लो, क्योंकि इसलिए अगर हम बात करें बच्चों, क्योंकि ये समय ऐसा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हो. अभी कोई एग्ज़ाम नहीं लगा हुआ है कि नेक्स्ट मंथ आपका कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है, बहुत से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो यार इस टाइम ये सारे के सारे आप लोगों को चीज़ें याद होनी चाहिए. अदरवाइज आप लोगों का इतना हेक्टिक स्केड्यूल रहता है, जो मतलब ऑफिस जाने वाले हैं या जो स्कूल जाने वाले हैं, तो इस समय आप लोगों के पास टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है? नेक्स्ट लिखा हुआ है किल, मार देना टू बर्ड्स को विद वन स्टोन से. इसका मतलब होगा टू अचीव टू रिजल्ट्स विद वन एफर्ट. एक ही काम, एक एफर्ट कराओ, दो दो रिजल्ट मिल जाए. मान लो तुम लोग तैयारी कर रहे हो SBI की, और तुम लोग IBPS की तैयारी कर रहे हो, और तुम लोगों को SBI निकल जाए, RBI निकल जाए, तो समझ लो तुम लोगों की क्या हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना? टेक वन टू टास्क इस मीन्स रिव्यू. किसका मतलब क्या होता है? रिव्यू. गेन ग्राउंड मतलब क्या हो जाएगा? बिकम बहुत ज़्यादा क्या हो जाना? पॉपुलर हो जाना. मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करेंगे और एक दिन ये सब क्या हो जाएंगे? पॉपुलर हो जाएंगे. नेक्स्ट लिखा है टू ब्लो वंस ओन. इसका मतलब होता है टू प्रेज वंस ओन ट्रम्पेट, और अपने ही क्या करते रहना? गुणगान करते रहना. अ बुजुम फ्रेंड. बुजुम फ्रेंड का होता है घनिष्ठ मित्र, अ वेरी क्लोज फ्रेंड. अ ब्राउन स्टडी. ब्राउन स्टडी का मतलब भूरी स्टडी नहीं होता है, ब्राउन स्टडी का मतलब होता है ड्रीमिंग. टर्न अ डेफ एयर. इसका मतलब होता है डिसरिगार्ड व्हाट वन सेज. अ क्लोज शेव मतलब कि नैरो एस्केप. नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट आ गया हम लोगों का 81. अब 20 मोर टू गो. टेक ओवर अ न्यू लीफ, चेंज फॉर द बेटर. किस लिए चेंज हो जाना? बेटर के लिए चेंज हो जाना. और हमें ऐसा लगता है रूपाली, अविनाश, जया, मेघा, है ना, स्वाति, और ये सब बहुत ज़्यादा औसफ, ये सब बहुत ज़्यादा बुजुम फ्रेंड्स हैं, फैम, राइट, है ना? टर्न ओवर अ न्यू लीफ. टर्न ओवर अ न्यू लीफ क्या होगा? इसका मतलब होता है चेंज फॉर द बेटर. आई एम राइट ना? चेंज और टर्न ओवर द टर्न ओवर अ न्यू लीफ. इसका मतलब होगा चेंज फॉर द बेटर. किस लिए चेंज होना? एक बेटर के लिए चेंज होना, किसी बेहतरीन चीज़ के लिए चेंज होना, उसे बोलते हैं टर्न ओवर द न्यू लीफ. मेक अप वंस माइंड. उस क्या कर लेना? डिसाइड कर लेना. नेक्स्ट लिखा हुआ है इन द लॉन्ग रन, इवेंचुअली या अल्टीमेटली. नेक्स्ट लिखा हुआ है ब्रिंग टू लाइट. इसका मतलब होता है किसी चीज़ को क्या कर देना? डिस्क्लोज कर देना. पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स. तुमसे तो हम बदला लेंगे ही लेंगे. क्या करना? टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स. इसका मतलब होता है टेक रिवेंज. हार्ड एंड फास्ट रूल्स. इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्या? स्ट्रिक्ट रूल्स. एट द इलेवेंथ आवर. अब 12 बजने वाले हैं. 11th आवर मतलब ध्यान से सुन लो क्या होगा. लास्ट मोमेंट पर. बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है, कल पेपर है तो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करा है, उनका काम क्या होगा? एट द 11th आवर होगा, मतलब लास्ट मोमेंट पर ही होना है. अ क्लोज शेव. इसका मतलब होता है नैरो स्केप. टू कट अ सॉरी फिगर. टू मेक अ पुअर शो. विद हाई हैंड. इसका मतलब होता है ऑप्रेसिवली. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं. यहाँ पर लिखा बर्न वंस फिंगर. बंस वन फिंगर का मतलब होता है गेट इन टू ट्रबल बाय इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर. गेट इन टू ट्रबल कैसे? कैसे? बाय इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर. नेक्स्ट लिखा हुआ है लाफ्स वन हेड ऑफ. इसका मतलब होता है लाफ हार्टली. च्यू द कर्ड. इसका मतलब होता है पॉन्डर ओवर समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में पॉन्डर करना, यानी किसी की चीज़ के बारे में सोचना. प्ले सेकेंड फिडल. इसका मतलब होता है टेक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. अबव बोर्ड. इसका मतलब होता है ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और बहुत खुले मिजाज के जो होते हैं उनको बोलते हैं ऑनेस्ट एंड ओपन. थ्रू थिक एंड थिन, अंडर ऑल कंडीशन, सारी ही परिस्थिति में. पुट अ स्पोक इन वंस व्हील. पुट अ स्पोक इन वंस व्हील. उसको क्या कर देना? टू अपसेट कर देना. वंस किसी के प्लान को क्या कर देना? अपसेट कर देना. ठीक है? ओके अनामिका, ओके जया, ओके स्वाति. एट सिक्सेस एंड सेवन्स. इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्योटिक और बहुत ज़्यादा क्योस, है ना, इन अ डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइज मैनर और क्योटिक मैनर में. एट होम. एट होम मतलब क्या होगा? कम्फर्टेबल.
alpha and omega, the beginning, शुरुआत and the end. alpha and omega it means शुरुआत और end. तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पर सारे के सारे हम लोगों ने 100 के 100 कवर करें. आप लोगों को ऐसी वीडियोस और चाहिए तो मेक श्योर यू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि मैम हमको इस टॉपिक पर चाहिए एंड इस टॉपिक पर चाहिए. क्योंकि अभी स्टूडेंट्स ने, हमने कल देखा था, कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा मैसेज करा था कि मैम हिंदू की वोकैबुलरी ट्रिक्स के साथ में करवा दीजिए. तो मेक श्योर यू ऑल्सो राइट योर सजेशन कि आप लोगों को क्या चाहिए और ये कैसा सेशन कैसा लगा, ये भी ज़रूर लिखना है. तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हो, एक बार जल्दी से सेशन को ज़रूर लाइक कर देना है. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन. और जल्दी से स्टूडेंट्स जितने भी हैं यहाँ पर लाइक कर देना है एक बार, और कमेंट करके बताना है कैसा लगा है. और शेयर तो तुम लोग कर ही देते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आप लोगों से लेना चाहते हैं अलविदा, और यहाँ पर सभी से ऑल द वेरी बेस्ट. अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों को ख्याल रखना है, और बस पढ़ते रहना है. थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.